ईडी मामले को लेकर नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी के आंदोलन की लड़ाई लड़ी है, वहीं भाजपा और आरएसएस को अंग्रेजों के मुखबिरी करती थी। अब नरेंद्र मोदी सरकार कांग्रेस कार्यकर्ताओं को परेशान करने में लगी है, उन्हें काम करने का तरीका नहीं है। उन्होंने कहा, हमारे नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी का निर्देश जिस दिन होगा उस दिन कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा के लोगों को भगाने के लिए कोशिश करेगी। अगर इसी तरह चलता रहा तो आज़ादी की लड़ाई में जिस तरह से कांग्रेस ने अंग्रेजों को देश से भगाया था, उसी तरह भाजपा को हटाने के लिए कांग्रेसी कार्यकर्ता पीछे नहीं रहेंगे। देश में जिस तरह की आज स्थिति पैदा हुई उसके लिए नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदार हैं। जो काम अंग्रेजों ने नहीं किया उससे ज़्यादा खराब काम और देश को पार्टियों को धर्म और जाति के नाम पर लड़ाने का काम कर रहे हैं और किसी पार्टी का दमन करने का काम कर रहे हैं वो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और इसके लिए अगर इसी तरह से चलता रहा तो निश्चित रूप से हम लोग तो अंग्रेजों से लड़ाई लड़े हैं। हमारे नेताओं ने कार्यकर्ताओं ने देश के लिए अपना बलिदान दिया है और ये जो लोग हैं जो मोदी और उनके लोग हैं आरएसएस के लोग हैं इन लोगों ने कभी देश के आज़ादी के आंदोलन में भाग नहीं लिया। ये अंग्रेजों को मुखबिरी किया करते थे और देश के आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने वाले हमारे नेताओं कार्यकर्ताओं को फांसी चढ़ाने जेल भिजवाने का काम करते थे।